नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसी ही घटना वास्तव में घटी थी और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस केस में ऐसी कई वारदातें हुई थी जो काफी फिल्मी, काफी हैरत अंगेज थी। कहने को तो ये एक केस था, लेकिन इस केस से कई और केसेस जुड़े हुए थे। एक कहानी में कई और कहानियां उलझी हुई थी। इस केस ने मानो अपराध का पैंडोरा बॉक्स खोल दिया था और अब झूठ, फरेब और विश्वासघात का सैलाब आने वाला था। मेरे पति जतिन कुमार है, ये दो दिन से लापता है सर, इनका फोन भी बंद आ रहा है। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी आपके पति के साथ? मेरी दो दिन पहले बात हुई थी, जब मैं पटना होम टाउन के लिए रवाना हुई थी। वहां से भी मैंने इनको फोन किया सर, लेकिन फोन बंद ही आ रहा था। मैं जब आज वापस पहुंची तो वॉचमैन ने मुझे बताया कि वो दो दिन से घर ही नहीं आए हैं। काम क्या करते हैं आपके पति? सर वो फिल्म डायरेक्टर हैं, इंडस्ट्री में सब उन्हें जेके के नाम से जानते हैं। मैंने उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग सभी को फोन किया, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहां गए। राम राम ताऊ जी, दूध ले आए हम। अरे बेटा, तुम इधर क्यों आई? तुम्हारा भाई किधर है? क्यों ताऊ जी, हम नहीं ला सकते क्या? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इसे अंदर रख। अरे रख दे, यहीं रख दे। सर, सर इसने 3-4 लो बजट की फिल्में बनाई थी। फिल्म एसोसिएशन के काम में काफी एक्टिव रहता था, इसलिए इंडस्ट्री में सब जानते हैं। सर जेके के कॉल रिकॉर्ड्स? जी हाँ सर, ये रहे। इसने लास्ट कॉल किसी काव्या साहनी को किया था। काव्या साहनी? मैं 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ, तुम लेट मत करना। काव्या साहनी? जी। ओह माय गॉड, जेके दो दिन से घर नहीं पहुंचा? जेके का फोन 12 तारीख को स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी कॉल उसने आपको किया था। जी सर, वो एक स्क्रिप्ट के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। उनकी आने वाली फिल्म की राइटर मैं ही हूँ इसलिए। अच्छा, इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं? एनीवेज, हम लोग जब आए थे आप कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी? वो मैं मनाली जा रही थी, एक स्क्रिप्ट के पर्पज से जाना था। अच्छा होगा कि आप अभी ये शहर छोड़कर ना जाएं। हो सकता है दोबारा इंक्वायरी के लिए हमें आपके पास आना पड़े। जी सर। प्रताप, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब ना हमें उस घर में नहीं रहना, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। अरे हम आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे, घबराओ नहीं। तुम क्या ठीक कर दोगे? तुम्हें पता है पापा तुम्हारे नाम से गुस्सा हो जाते हैं, और अब तो उन्होंने हमारा फोन भी तोड़ दिया। हम सब जानते हैं, इसीलिए तो नया फोन लेके आए तुम्हारे लिए। अब हम रात भर खूब बातें किया करेंगे। हाँ। जेके की वाइफ सीमा की डिटेल्स निकालो, जेके की मेड, उसके पड़ोसियों, सबसे पूछताछ करो कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन कैसे थे। हो सकता है हम बाहर ढूंढ रहे हैं और मामला घर के अंदर का ही है। सब साला बाइक को भी अभी खराब होना था क्या? मशीन है भैया, इंसान थोड़ी ना जो आपकी मार के डर से चुप रहे। बहुत बोलने लगी आजकल। अरे कहाँ हो रहे ब्रिजवा, गाड़ी बिगड़ गया? हाँ पापा। तुम एक काम करो, गाड़ी ठीक करवा के ले आओ, हम नैना को अपने साथ लेके चल रहे हैं। आओ नैना। ठीक ठीक है पापा। भैया बाइक से जरा प्यार से बात करके देखिए, शायद चलने लगी।
क्या बोला तेरा भाई? फोन नहीं उठाया, शायद रिंग नहीं सुना होगा। सर, आपका शक सही निकला। एक पड़ोसी ने तो यहां तक कहा कि सीमा ने जेके से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की थी। और इन दोनों में जो झगड़े होते थे वो किस बात को लेकर होते थे? सीमा को लगता था कि जेके का कहीं अफेयर चल रहा है। किसके साथ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? जेके और मेरा अफेयर? किसने कहा आपसे? ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं। छुपाने की बात है ही नहीं सर, मेरा और जेके का रिलेशन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल था। और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, आदि नेम है उसका। हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड आदि की इन्फॉर्मेशन नहीं, जेके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी पत्नी का कहना है कि जेके का अक्सर यहाँ पर आना था। तुम्हारे पड़ोसी का भी कहना है कि वो आता था और काफ़ी वक्त बिताता था तुम्हारे साथ यहाँ पर। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं सर, और क्रिएटिव डिस्कशन में वक्त का पता ही नहीं चलता। ये सब तो कॉमन सेंस की बात है ना। ज़्यादा वक्त दूरियाँ कम करता है, नज़दीकियाँ बढ़ाता है, ये भी कॉमन सेंस की बात है। मेरे और जेके के बीच में नज़दीकियाँ होना इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट जेके का किसी भी लड़की के साथ नज़दीक होना इम्पॉसिबल था। मतलब? रितेश, रितेश, जेके की शादी से पहले से ही जेके और रितेश का अफेयर चल रहा था। ये तो सोसाइटी और माँ बाप के प्रेशर में जेके ने सीमा से शादी की थी। जेके ने कभी अपनी वाइफ के बारे में जिक्र किया था तुमसे? आई मीन, कभी उसने ऐसा कुछ कहा था कि उसका और उसकी वाइफ के साथ रिश्ता कैसा है? नहीं सर, पर आई एम श्योर कि सीमा भी खुश नहीं होगी। वैसे सीमा बहुत स्मार्ट लेडी है, उसने जेके से शादी जेके के पैसों के लिए की होगी। अब पैसा हो तो सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है ना, हर ज़रूरत। काव्या झूठ बोल रही है, मैं गे नहीं हूँ। पता नहीं मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों फैला रही है वो। गे है, स्ट्रेट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम जेके को ढूंढ रहे हैं, जेके के बारे में जो जो जानता है वो बता। मैं नहीं तो जेल में कैदी के रोल में कास्ट हो जाएगी तेरी। नहीं सर, बताता हूँ। वो मैं और जेके पार्टनर्स से, और मुझे खुद जेके की बहुत फिक्र है सर। लेकिन अब गलत लोगों के साथ दोस्ती करेगा तो ऐसा ही होगा ना। गलत लोग? किसकी बात कर रहे थे? काव्या सर, वो बैंक बैलेंस देख के दोस्ती करती है, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे शक है कि काव्या ने ही जेके के साथ कुछ किया है। सर, जेके काव्या से मिलने 12 तारीख को जाने वाला था, उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। बस मैं यही जानता हूँ सर, और कुछ नहीं पता मुझे। प्रताप, अभी तो हम मंदिर में हैं, इसलिए तुम हमसे झूठ भी नहीं बोल सकते। तो एक बात पूछे कि तुम सच में हमसे प्यार करते हो या सिर्फ हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास लग रहा है तुमको? अरे सच में प्यार करते हैं। अगर हमारा बस चले ना तो तुम्हें अभी अपनी पत्नी बना ले। चलो, बड़े आए पत्नी बनाने वाले। अच्छा, यकीन नहीं होता। एक मिनट रुको। लो, बन गई तुम हमारी पत्नी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, मनाली के होटल मैनेजर से जाकर पूछ लिए। क्या पूछ लीजिए? यही कि पिछले हफ्ते जेके रेकी के लिए मनाली गया था, और उसके साथ रितेश भी गया था। दोनों एक ही होटल में एक ही कमरे में रुके थे, और होटल का नाम था हनीमून। मैं तुझे मार डालूंगी, मेरे पति को बदनाम किया तो। आप इतना भड़क क्यों रही हैं? ये होना कोई पाप तो नहीं है, है ना सर? सर, मैं तो चुप ही हूं, लेकिन जिस तरीके से गे वर्ड सुनकर ये भड़क रही है ना, मुझे तो लगता है कि क्या लगता है कि मैंने मारा मेरे पति को? देखिए सर, आ गई ना बात जुबान पर। जेके तो सिर्फ गायब हुआ था ना, तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? सीमा काव्या पे इल्जाम लगा रही है और काव्या सीमा पर। कहीं ये लव ट्रायंगल ही तो जेके के गायब होने की असली वजह नहीं है? हो सकता है सर,
लेकिन इस रितेश को भी इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे टेढ़ा लगा वो। एक काम करो, सीमा और काव्या इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे इन दोनों के बर्ताव में ही साजिश की गुहारी है। सर ये काव्या तो एक नंबर की फ्रॉड निकली, इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी फाइल हुआ है। What? किसे क्या था केस? अभिमन्यू नाम के एक राइटर ने सर। दरअसल दो साल पहले काव्या मुंबई में एक्टर बनने के लिए आई थी, तब अभिमन्यू की मुलाकात काव्या से हुई। उसने काव्या से अपनी एक कहानी शेयर की, लेकिन काव्या ने उस कहानी को किसी डायरेक्टर को भेज दिया और खुद राइटर का क्रेडिट ले लिया। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है सर, तुलसीदास नाम के एक प्रोड्यूसर ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में काव्या के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी 35 लाख के गबन के आरोप में। काव्या ने उसे फिल्म बनाने के लिए एडवांस लिया था, लेकिन ना तो उसने फिल्म बनाई और ना ही उसके पैसे लौटाए। ये जो कह रही है ना कि आदि नाम का इसका कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ इसकी एक मनगढ़ंत कहानी है। आई थिंक जेके के गायब होने में कोई ना कोई काव्या का लिंक जरूर है। बुलाओ काव्या को। सभी टोल नाका पे काव्या की फोटो सर्कुलेट करवा दिया सर। एक तो ये जेके का है, दोनों को हमें जल्द से जल्द ढूंढना है। सर, सर काव्या के लैंडलॉर्ड का फोन था। काव्या के पड़ोसी ने शिकायत की है कि काव्या के घर से काफी बदबू आ रही है। व्हाट? काव्या बहुत हो गई तुम्हारी कहानियां, अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों मारा जेके को? सर मैंने नहीं मारा है जेके को, वो सब आदि ने किया था। फिर से आदि? तुम्हारा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड? नहीं सर, आदि सच में है और उसी की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सर। और विक्रांत और अजीत एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, उसी मौके का फायदा उठाकर नव्या सारे पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। अच्छी स्क्रिप्ट है, बट व्हाट आई थिंक कि क्लाइमेक्स में अगर हीरोइन की जगह हीरो को दिया जाए तो? नहीं सर, यही क्लाइमेक्स सही है। आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा तेज, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लड़कियों के ऊपर कहानियां लिखी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। Oh, I'm so sorry. He is Adi, my creative director. Excuse me. अब मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप लोग जरा बात कीजिए, मैं आता हूँ। हम लोग स्टोरी सेटिंग के लिए अक्सर मिलने लगे थे, मिलते मिलते काफी करीब आ गए। इतने करीब कि आदि तुम्हारे साथ रहने लगा? लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। आदि को तो मुझ में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, उसे तो सिर्फ मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। आदि और जेके ने मुझे लूटा है सर, मेरे सारे पैसे लूट कर भाग गए। जेके इतना बड़ा आदमी था, वो तुम्हारे साथ फ्रॉड करेगा? सर एक फ्रॉड ही तो करेगा, जेके ने काफी सारे प्रोड्यूसर्स को लूटा है सर। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले आदि और जेके ने मिलकर एक प्रोड्यूसर से वेब शो बनाने के लिए कहा था, और उससे उन्होंने 35 लाख रुपए लूटे थे। उन्हीं रुपयों के चक्कर में उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, और उस दिन जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा। आदि? आदि के प्यार में पागल हो गई थी मैं, और वो सब देखकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर आदि ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जेके की लाश को एसी रूम में रखने का आइडिया किसका था? आदि का ही था सर, आदि ने मुझे फोन पर जो जो करने को कहा मैंने वही किया। लेकिन जब आदि को ये पता चला कि पुलिस जेके को ढूंढ रही है, सो आदि ने मुझसे बात करनी कम कर दी, मेरे 11 लाख रुपए धोखे से लूट कर ले गया, और तब से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। 11 लाख
और कब हुआ ये? कल ही सर। काव्या आखिरी मौका दे रहा हूँ, जो भी सच है वो सच बता दो। लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब आदि ने किया है, आदि ने ही जेके को मारा है, आदि ने मेरे पैसे लूटे है। सच है, अच्छे से खातिरदारी करना ही। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। काव्या अभी भी अपनी उसी बात पर अड़ी हुई है कि उसका आदि बॉयफ्रेंड है जो उसके भी 11 लाख रुपए लेके भाग गया। ये काव्या एक पेशेवर फ्रॉड है सर, और इस तरह के लोग एक्टिंग में बहुत माहिर होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग कहानियां सुनाकर हमें गुमराह कर रही है। लेकिन काव्या से बिना सिर पैर की कहानी क्यों सुनाएगी? काव्या एक राइटर है, अगर उसको झूठ बोलना ही है तो कम से कम ऐसा झूठ बोलेगी जो सुनने में हमें सच लगे। मनीष एक काम करो, काव्या जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग के लोगों से बात करो और पता करो कि उसकी लाइफ में कोई लड़का है क्या। हाँ सर, एक लड़का आता तो था। तो क्या वो काव्या के साथ उसके घर में रहता था? सर हम दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते। कुछ निबर्स ने बताया सर कि उन्होंने किसी लड़के को काव्या के घर आते जाते देखा तो था, लेकिन उसका नाम नहीं पता उन्हें। वो दावे से नहीं कह सकते कि आदि उसी घर में काव्या के साथ रहता था। काव्या के घर से कुछ मिला? नहीं सर, हालांकि दोनों लिव इन में थे तो काव्या के घर से आदि का शेविंग किट, कपड़े, जूते वगैरह कुछ तो मिला चाहिए था सर। काव्या के मोबाइल में भी आदि की कोई भी फोटो नहीं है और नहीं काव्या के सोशल मीडिया अकाउंट पर। मैं उसके दोस्तों से बात करता हूँ सर, हो सकता है जो बात नेबर्स को ना पता हो वो उसके दोस्तों को पता हो। मैं काव्या की माँ से भी मिलता हूँ जिसने सालों से काव्या से अपना रिश्ता तोड़ रखा है। मैं जाके बात करता हूँ उनसे। ठीक है, एक बार बात करके देख लो। लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है कि हर कहानी की तरह काव्या की ये कहानी भी झूठी है। सर जब मुझे काव्या की ही खबर नहीं है तो उसके बॉयफ्रेंड की कैसे खबर होगी? पिछले एक साल में आपकी बेटी ने आपको कभी तो फोन किया होगा? नहीं सर, वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई चली गई। उस दिन के बाद से उसने मुझे कभी फोन नहीं किया। एक बात कहूँ सर, काव्या बड़ी ही मतलबी लड़की है। वो जो कुछ भी आपको बता रही है ना उस पर विश्वास मत कीजिएगा, वो आपको धोखा ही मिलेगा। सर काव्या से जब भी बात होती थी वो आदि का नाम विदाउट फेल लेती थी, बहुत तारीफ किया करती थी उसकी। नीलिमा, क्या आप कभी आदि से मिली हैं? हाय, ये है आदि। हाय। अच्छा बहुत हो गई बातें, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। सर काव्या आदि को लेकर बहुत पॉजिटिव थी, हर वक्त उसका हाथ पकड़े रहती थी, इसलिए आदि से मेरी कभी ज्यादा बात नहीं हो पाई। अच्छा, क्या आदि भी काव्या से प्यार करता था? सर आदि का तो पता नहीं, पर काव्या आदि के पीछे पागल थी, एक मिनट भी उसके बिना रह नहीं पाती थी वो। What? आदि वाकई में? जी हाँ सर। अगर आदि वाकई में काव्या के घर में रहता था तो वहां से उसका कोई ना कोई क्लू जरूर मिलना चाहिए था। मनीष एक काम करो, फोरेंसिक टीम को बोलो कि काव्या का घर अच्छे से स्कैन करे। आई एम 100% श्योर वहां से आदि का कोई ना कोई डीएनए सैंपल जरूर मिलेगा। ओके सर। इस काव्या का कोई बड़ा प्लान लगता है। पॉसिबल है कि इसने अपनी फ्रेंड नीलिमा से जानबूझकर आदि को मिलवाया हो, ये सोचकर कि बाद में अपना सारा क्या धरा आदि पर डाल दे। सर काव्या के अकाउंट डिटेल्स, 11 लाख रुपए उसके अकाउंट से ट्रांसफर जरूर हुए थे, लेकिन वो दूसरा अकाउंट भी काव्या के नाम पर ही है और उसने पैसा उस जगह से निकाला जहां का सीसीटीवी खराब था। किस कमीने ने पत्थर पटक रखा बीच में? आदि है सर, आदि है। वो मेरे दोस्तों से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी उसे फोर्स नहीं किया। वो दिल्ली का रहने वाला है और उस दिन मैं दिल्ली जा रही थी उसे ढूंढने के लिए और रास्ते में आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। काव्या बस बहुत हो गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को, प्लीज समझिए। तुम क्यों नहीं समझ रही हो काव्या? तुम्हारे किरदार तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगे हैं। आदि का जो तुमने हमें फोन नंबर दिया था वो फोन नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है, कोई धोखा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। धोखा नहीं, विश्वासघात हुआ है और आदि ने किया है मेरे। आदि 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 का कोई फोटो नहीं है तुम्हारे पास, यहां तक कि उसका फोन नंबर तक नहीं है तुम्हारे पास। तो आप कहना चाहते कि तुम और जेके मिलकर लोगों को लूटते थे, उन पैसों के बंटवारे को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तुमने मार डाला जेके को। ये देखो तुम्हारे अकाउंट की डिटेल, अपने एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में तुमने पैसे ट्रांसफर किए और फिर ऐसी जगह से जाके निकाल लिए जहां का सीसीटीवी खराब था।
सर मुझे नहीं मालूम कि ये दूसरा अकाउंट मेरे नाम पे किसने बनाया और क्यों बनाया है। सर मेरे पास एक ही अकाउंट और उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक बेकसूर को सजा दिलवा रहे और जो गुनहगार है वो बाहर आजाद घूम रहा है। काव्या ने जिस आदि नाम के शख्स का जिक्र किया था, क्या वो वाकई में था या लेखिका काव्या ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक काल्पनिक पात्र रचा था, या काव्या महज एक कठपुतली थी जिसकी डोर किसी मास्टरमाइंड के हाथों में थी? अगर काव्या एक मोहरा थी तो फिर कौन था इस खेल का असली मास्टरमाइंड? देखो काव्या, तुम घबराओ मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये सब आदि ने किया। काव्या, हमें आदि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, आदि का स्केच बनवा सकती हो तुम? सर ये स्केच काव्या के दोस्त नीलमा को दिखाया, उसने कंफर्म किया कि आदि को जैसे ही दिखता था। स्केच को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया। आदि इतने वक्त से था लेकिन किसी को नजर नहीं आया। काव्या के घर पे आदि ने एक अपना निशान तक नहीं छोड़ा। आई एम 100% श्योर ये कोई आम अपराधी नहीं, इससे पहले भी इसने कई क्राइम किए होंगे। तो सर आपको ऐसा लग रहा है कि काव्या बेगुनाह है? नहीं, अगर काव्या बेगुनाह होती तो एक लाश के साथ नहीं रहती। मुझे लगता है काव्या और आदि पार्टनर होंगे और आदि ने काव्या को डबल क्रॉस किया होगा। सर फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से कॉल था, उनका कहना है कि आदि की शक्ल क्रिमिनल से मिलती है जिसने फरीदाबाद से एक लड़की को भगाया था और कुछ दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली थी। देव नाम है उसका, ये देखिए सर। यानी आदि और देव एक ही है? आई थिंक सर इस बार काव्या सच बोल रही थी। काव्या ने हर बार आधा सच बोला है। अरे पापा नमस्ते। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू पापा। अच्छा अंदर तो आइए प्लीज। वो बेटा 3 घंटे में फ्लाइट है और पेपर्स के लिए कहा था। पेपर्स रेडी हैं, आप आदित्य से बातें कीजिए, मैं 2 मिनट में लेके आया। ओके ओके ओके। बैठिए। अरे पापा। माय स्वीट हार्ट। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। चाय कॉफी कुछ? नो नो इट्स ओके। देखो पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गए तुम्हारी शादी को। पापा पता मुझे भी नहीं चला कि कब जिम की वो पहली मुलाकात शादी में बदल गई और आज देखो शादी को 2 साल भी हो गए। अब इसे ऊपर खींचो। परफेक्ट, एकदम सही, अब आपको कोई इंजरी नहीं होगी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, तभी तो सुमित को काम पे रखा था। मतलब आग उसी दिन लग गई थी पापा। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि सुमित बहुत सिंसियर है। आपको याद है वो जावेद वाला इंसिडेंट? अरे जावेद सर आप ठीक तो हैं? अरे बर्फ ले करो, जल्दी 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 बर्फ ले करो। क्या वो जावेद? अरे कुछ नहीं मैम, वो मोच आ गई है सर, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई वाज इन टोटल मेस। थैंक गॉड सुमित वहां था। सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स जावेद ही हैंडल करता है, अब मैं क्या कहूंगी उन्हें? मैम एक बात कहूंगा अगर बुरा ना माने तो? कहो। एक्चुअली जावेद सर के साथ वर्कआउट करते करते सभी सेलिब्रिटीज मुझे जानने लगे। अगर आप कहें तो मैं एज एन ट्रेनर ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है। ओके, और हाँ मैम नहीं आदिति। ओके आदिति। लेकिन तुम दोनों की शक्ल देखने लायक थी जब मैं रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचा। तुम लोग ऐसे ऐसे डर रहे थे जैसे कॉलेज में लड़के लड़की नहीं मिलते छुपके। अब पापा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पापा के सामने ऐसे अचानक आ जाऊंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड तो हो ही जाता है ना। बट बेटा आई एम हैप्पी फॉर यू, गुड चॉइस। पापा ये पेपर्स मैंने चेक कर लिया, प्लीज एक बार आप भी चेक कर लो। नो प्रॉब्लम। देखो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू पापा। लेकिन मेरी पार्टी बाकी रही, लौट के मिलते हैं। मनीष इन्फॉर्मेशन मिली है कि आदि उर्फ देवा जैसा दिखने वाला आदमी अहमदाबाद में दिखा। सॉरी सर लेकिन कुछ दिन पहले वैसे एक आदमी हमें जयपुर में भी दिखा था। सर क्या हुआ सर? ये देवा नहीं है सर। सर पिछले 3 साल में हमने आदि उर्फ देव के लिए 7 जगहों पर रेड मारी लेकिन हर जगह से हम सिर्फ नाकाम हुए हैं। आई नो,
130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ एक आदमी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इस बार भी हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, बट वी हैव टू टेक सच चांसेस। ये देव और फादी ही है सर। लग तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। एक काम करो मनीष, इसके घर इसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखो, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार पूरी तसल्ली करने के बाद ही हटाना। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, दो डील ऑर्डर हो गई जिम की, अब हमारी नई दो जिम खुलेंगी। अरे तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। अच्छा तुम रेडी हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सॉरी 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 बोलने लगी। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल माफ नहीं करने वाली इस बार। अच्छा। लेकिन अब बार बार कोई इतनी बार बोले तो फिर करना तो पड़ता ही है ना। आफ्टर ऑल फ्रेंड है तो फिर क्या ही बोल सकते। सुमित क्या हुआ, दरवाजा ऐसे क्यों बंद कर रहे हो? अरे पता नहीं ये लोग कौन है, पहले जम के बाहर खड़े थे और घर तक आ गए। कौन है ये लोग? ये शायद ना मेरे भाई के भेजे हुए गुंडे। एक्चुअली बेबी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता कि ताकि तुम स्ट्रेस ना हो। मेरा भाई ना मेरे फादर की सारी जायदाद बेचना चाहता है जिसके मैं खिलाफ हूँ। पक्का उसके लिए उसने मुझे भेजा। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। अरे रुको दो मिनट दो मुझे। अतिथि जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम पुलिस हैं। दरवाजा नहीं खुलेगा, आपको जो बोलना है बाहर से बोलिए। आपका पति सुमित एक अपराधी है। आदि, देव, अरुण, ऋषि, कई नामों से उसने कई लोगों को ठगा है, कई मर्डर भी किए हैं। अतिथि मैं ऐसा क्यों करूं, झूठ बोल रहे पुलिस वाले ने घुटने घुटे। चलो अगर आप सच में पुलिस वाले हैं तो अपनी आईडी दिखाइए। अब हाँ ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। मैं वीडियो कॉल पे आपको अपना आईडी दिखाता हूँ। अदिति जी ये देखिए हमारा आईडी। अभिमन्यु जिंदल, इनकी आईडी तो असली लग रही है। अदिति तुम कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो, तुमने कभी असली पुलिस वालों की आईडी देखी? तो तुम्हें कैसे पता है असली है नकली? अदिति ये गुंडे मुझे मारते हैं। देखो मैं पीछे वाले रास्ते से जा रहा हूँ, दरवाजा मत खोलना। आदित्य मैंने तुम्हें कहा था ना इनसे बात मत करो, पूरे घर के चारों तरफ फैल गए। हेलो अदिति, आप हमारा यकीन कीजिए, ये सुमित पहले मुंबई में था, वहां से भाग कर आया है। देखिए आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, सुमित यहाँ आने से पहले विजयवाड़ा में था और वो बेसिकली बनारस से है। बनारस? जी हाँ बनारस। सुमित के फादर शंभुनाथ वर्मा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका कपड़ों का बिजनेस है। देखिए अदिति जी हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, आप प्लीज हमें अंदर आने दीजिए सिर्फ 10 मिनट के लिए। बिल्कुल नहीं, मुझे आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आप सुमित को नुकसान पहुंचेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सर लड़के तो मान ही नहीं रहे, दरवाजा तोड़ के अंदर जाएंगे? नहीं 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 दरवाजा नहीं तोड़ सकते, हमारे पास सर्च वारंट नहीं है और हम 100% ये भी श्योर नहीं है कि हमारा ये टारगेट सुमित वही अपराधी आदि और देव है जिसकी हमें तलाश है। पता है ना पिछली बार जब गलतफहमी हुई थी तो कमिश्नर साहब को कितनी सफाई देनी पड़ी थी। मनीष एक काम करो, बनारस में शंभुनाथ को फोन करो और पता करो कि सुमित नाम का उनका कोई बेटा है भी या नहीं। क्विक ब्रेकफास्ट। ओके सर। ओके ठीक है सर। अदिति ने जो कुछ भी बताया वो सच है, बनारस पुलिस ने कन्फर्म किया है कि शंभुनाथ वर्मा का बेटा ही सुमित है जो सालों पहले घर छोड़ के चला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टारगेट को लेकर फिर से हमें कोई गलतफहमी हुई है? दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद से होते हुए पुलिस की तहकीकात उन्हें अब अहमदाबाद ले आई थी। क्या इस बार पुलिस का निशाना सही टारगेट पर लगा था या सुमित को आदि समझना पुलिस की एक भूल थी? सालों से पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा बहरूपिया क्या फिर एक बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था? पुलिस अब भी असमंजस में थी, लेकिन अदिति को सुमित पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास था। लेकिन शक
और यकीन के इस तराजू का पलड़ा आखिर में किस ओर झुकेगा ये अभी कह पाना मुश्किल था। हेलो अतिथि जी, प्लीज एक और रिक्वेस्ट है। मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ, वो फोटो आप अपने पति सुमित को दिखाइए। मैं एक और रिक्वेस्ट है अतिथि जी, जब सुमित ये फोटो देख रहा हो तो आप उसका रिएक्शन नोट करना प्लीज। ठीक है, ये फोटो देखना। कौन है ये? एक पल को लेकर तुम जानते हो इसे? अरे नहीं जानता मैं इसे। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है या उनकी बात पर भरोसा? सुमित गुस्सा मत हो, मैं बस उनका शक दूर करना। तुम्हें उनसे बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं उनसे बात नहीं करती तो वो अंदर घुस जाते। सर जी, अदिति जी, सुमित ने इस लड़की को नहीं देखा। फोटो देखने के बाद बदलाव आया सुमित ने? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अदिति जी, मैं समझ सकता हूँ सुमित आपका पति है, उसमें शक करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, सुमित 9 मर्डर कर चुका है और 6 आपकी जैसी भोली भाली लड़कियों को ठग चुका है, अलग अलग नाम से, अलग अलग शहरों में। अदिति जी, मैं आपको ना इसके अलग अलग गेटअप में फोटो भेज रहा हूँ, आप उनको चेक कीजिए, आप खुद समझ जाएंगी कि ये सब एक ही आदमी के फोटोग्राफ्स हैं, ये सब एक ही आदमी है। अदिति जी, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुमित के पास जाइए और उसको उसके असली नाम बावला के नाम से पुकारिए। हाँ, क्या हुआ? बावला, बावला कौन है? तुम बावला को नहीं जानते तो रेस्पॉन्ड क्यों किया? अरे मैंने कहाँ रिएक्ट किया, तुम मुझे बेकार में इरिटेट कर रही हो, वो लोग तो चाहते हैं कि हम दोनों झगड़े और उनको मौका मिल जाए। प्लीज तुम समझो, तुम नीचे जाओ और मुझे यहाँ पे देखने दो, प्लीज जाओ जाओ जाओ। उन्होंने बावला नाम पे रिएक्ट किया। अदिति जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, आपका पति सुमित असल में एक अपराधी है, बावला गुज्जर असली नाम है इसका। इसने अपने क्राइम की शुरुआत तब की थी जब ये सिर्फ 15-16 साल का था और तब इसने 3 मर्डर की सुपारी ली थी। जब ये सुमित उर्फ बावला गुज्जर जेल में था तब इसने वहां पर अपने बहुत सारे दोस्त बनाए और दुश्मन भी। इसने अपने सभी दुश्मनों को ढूंढकर एक एक करके मार डाला। आपको पक्का यकीन है ना कि सुमित ही बावला है? जी अदिति जी, हमें पूरा यकीन है कि ये सुमित ही बावला गुज्जर है और जिस सुमित की इसने आइडेंटिटी ली वो इसे जेल में मिला था, जेल में ही इसकी मुलाकात हुई थी उससे, वो अभी भी जेल में है। क्या? और अदिति जी, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सुमित बावला गुजर नहीं है तो फिर साल में 3 बार बावला गुजर के पिता दीनानाथ गुजर को फोन क्यों करता है? जब हमने सुमित के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तब हमें ये बात पता चली, ये रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुमित बावला है? सुमित क्या कर रहे हो? अगर जिंदा है ना, अदिति क्या हो रहा है अंदर? मनीष तुम ऊपर जाओ, ऊपर मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। चौबे तुम खिड़की के रास्ते से किचन के अंदर जाओ और वहां पर अलर्ट रहो, मेरे ऑर्डर का इंतजार करो, तुम और मनीष एक साथ अंदर मूव करोगे। हेलो इंस्पेक्टर। देख 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 देख, अदिति को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मनीष चौबे तुम दोनों अपनी पोजीशन पे हो, 1 2 अदिति तुम ठीक हो? मैंने और जेके ने मिलकर तुलसीराम को 35 लाख का चूना लगाया था। जेके बड़ा ही लालची था, जब बंटवारे का समय आया तब उसे 60% चाहिए था, जो मुझे मंजूर नहीं, और जो मुझे मंजूर था वो उसे नहीं, इसलिए आदि काव्य को मैंने लालच दी थी कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे पैसे दूंगा, लेकिन ना तो मैं उससे शादी करना चाहता था ना ही उसे पैसे देना चाहता था, इसलिए चुप करके वहां से निकल गया, उसे उसके हाल पर छोड़कर। आदिति को जब पहली बार देखा तो लगा मालतार पार्टी। फिर आदिति के दिल में पता ही नहीं चला कि आदिति से सच्चा प्यार कब हो गया। जब से वो मिली थी मैंने सारे सारे गलत काम छोड़ दिए थे, एक नेक जिंदगी जी रहा था मैं अदिति के साथ,
इसीलिए अदिति के गले पे चाकू रख दिया? नहीं सर, रखा था पर चला नहीं पाया। अगर आप ना आते ना तो एक शराफत की जिंदगी जी रहा होता मैं अपनी अतिथि के साथ। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले की जिंदगी कभी आबाद नहीं होती। तुझे तेरे एक एक चुन की सजा मिलेगी, एक एक चुन की। बावला उर्फ आदि उर्फ सुमित इस वक्त पुलिस हिरासत में है। उसके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी और मर्डर के अब तक 23 मामले दर्ज हुए हैं। जब इंसान की नियत बदल जाती है तो उसकी नियत ही बदलने में देर नहीं लगती। जिस दिन बावला ने पैसों की लालच में जुर्म का रास्ता चुना उसी दिन उसकी नियति तय हो गई थी। बावला अपने अतीत को भुलाकर अदिति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन अपराध की नींव पर खड़ी इमारत और झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता अक्सर टूट जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।